जब आप गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं, आपको अपने शरीर को तैयार करना जरूरी है। हमारी गायनेकोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर उमा रानी बताएंगी कि अपने शरीर को कैसे तैयार किया जाए। एक हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए जैसे आपका प्रिपरेशन, प्री प्रेगनेंसी प्रिपरेशन जरूरी बहुत, कि आप अपने को हेल्दी रखें, आपका वेट वाइज हेल्दी रहे, आपका कंस्ट्रक्शन, आपका एक्टिविटी, आपका मेंटेलिटी भी चेंज होना चाहिए। क्योंकि एक प्रेगनेंसी में जो मदर बहुत हैप्पी रहते हैं, आप अल्टीमेटली देखें उनका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। बेबी का पर्सनैलिटी भी पेरेंट्स की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप हमेशा हर एक चीज़ में दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेन टेंस फ्री, बट आप रह सकते हो, अपने को खुश कर सकते हो। यू डू मेडिटेशन, आप प्रेयर करिए, आप योगा करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप अपना डाइट भी चुन लीजिए कि ये डाइट मुझे लेना चाहिए, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे। बट आप अगर एक अच्छा हैबिट डेवलप करेंगे तो ग्रेजुअली वो आपका हैबिट बन जाएगी, वो अच्छा हो बुरा हो। तो ड्यूरिंग योर टेस्ट सिलेक्शन, जैसे मैं कुछ गड़बड़ खाना खा रही थी, अभी मैं प्रेग्नेंट होने जा रही हूँ, तो ये सब गिव अप करना पड़ेगा। हम आपने हर एक औरत, हर एक जेंट्स भी जानते हैं कि कौन सी खाना अच्छा है, कौन सी खाना बुरा है। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर टेकिंग बैड फूड। तो अपने को थोड़ा टेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको बाहर का चीज़ खाना बंद करना पड़ेगा। प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स, आपको सेहत ठीक रखेगा। अगर आप ओवरवेट भी हो, आप डेफिनेटली आपको वेट रिडक्शन या तो वेट मैनेजमेंट आप कर सकते हो। कभी भी आप फास्ट में ना रहो, रादर आप कम खाना खाए, बार बार खाए, उसको बोलते हैं स्मॉल फ्यू एंड फ्रीक्वेंट डाइट। उसमें आपका एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको खुद को भी लाइट लगेगा कम खाने से, नेक्स्ट जो खाना खाएंगे आपको भूख भी लगेगा। सेकेंड, आप एक्सरसाइज भी करिए ताकि बॉडी सर्कुलेशन बेटर रहे, कि कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो वो भी बैलेंस हो जाए, थायराइड की अगर प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जा जाए। बहुत छोटे चीज़ है लेकिन बहुत मायने रखता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तीसरा है कि प्रेगनेंसी जैसे अलाउ हो आप ज़्यादा और भी ज़्यादा पानी पिए और भी एक्टिव रहा करिए। आप प्रेगनेंसी से अपने को हटा दें कि मुझे प्रेगनेंसी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप कोई भी गाड़ी ड्राइविंग करते हैं उसमें कोई ख़राबी नहीं है, आप ड्राइव कर सकते हो। आप अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं आप कंटिन्यू रखा करो। न्यूअर एक्सरसाइज आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, वो आप ऐड कर सकते हो आपके लाइफ में। और रिगार्डिंग आउटिंग, ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग कभी मना नहीं है, लेकिन हमेशा सिलेक्ट करें कि क्राउडेड प्लेस आप अवॉइड करें, क्योंकि दूसरे बंदे से आप इन्फेक्शन कैरी करोगे। तो मार्केट, पार्टी, ये सब अवॉइड कर देना चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि प्रेगनेंसी एक इम्यूनो डिफिशेंसी टाइम, तो उस टाइम में हम जल्दी वो इन्फेक्शन पकड़ में आ जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स, कोई गेट टुगेदर आप अवॉइड करें तो बेटर है। और कोई व्हीकल अगर अगर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, बट उसमें प्रिफरेबली हम चाहते हैं कि कहीं भी जर्क फ्री ट्रैवलिंग हो, जैसे आपका ट्रेन ट्रैवलिंग बहुत कंफर्टेबल रहता है। ड्यूरिंग योर ट्रैवलिंग आप जितना पानी पिए तो अच्छा है, बाहर का खाना पीना आप अवॉइड करें तो अच्छा है। और आप जानते हैं कौन सी फूड में आपका विटामिन्स मिनरल्स मिलता है, आप वही फूड सिलेक्ट करें। इवन बाज़ार में बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स एंड हेल्थ न्यूट्रिशियस फूड स्टॉप मिलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फॉर्म में आप देखिए कि रॉ वेजिटेबल्स आप खुद ही लेके, खुद ही कुक करके खाए तो बेटर है, रादर आप रेडीमेड फूड आप इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। गर्भावस्था के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।